हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अर्जित और आज मैंने ऑर्डर किया है मीवी का F70 और इसके पहले ऑलरेडी मैंने ऑर्डर किया था F40 जिसका रिव्यू मैंने कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है और इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या मिलता है। सो फ्लिपकार्ट पैकेजिंग देखे तो डिसेंट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। सो बॉक्स पे कोई डैमेज नहीं है, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है और प्लास्टिक रैप है। सो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। यह है मीवी डुओ पोर्ट्स F70 जिसको मैंने ऑर्डर किया है 999 में फ्लिपकार्ट से। सो करेंटली अभी इसकी प्राइस 999 है जो कि सेल में, जिसके बाद इसकी प्राइसिंग 1500 हो जाएगी। सो बॉक्स के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है मीवी डुओ पोर्ट्स ENC F70 ट्रू वायरलेस ईयरफोन, डी पावरफुल बेस मेड इन इंडिया एंड एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। और बॉक्स के पीछे मेंशन है HD स्टूडियो साउंड, क्वाड माइक, वन टच प्ले एंड पॉज, सुपर सॉलिड बेस, पावरफुल ड्राइवर्स, स्वेट प्रूफ, IPX 4.0 रेटिंग है एंड प्राउडली मेड इन इंडिया। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। और सो बॉक्स को ओपन करते के साथ हम लोग को मिलता है कुछ पेपर मैनुअल्स, बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक पेपर मैनुअल है, टू रजिस्टर फॉर द वारंटी एंड वन टैग वेलकम टू द क्रियो। और एक यूजर मैनुअल जहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे पेयर करना है एंड सारे फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हमें मिलता है ईयरबड्स के टच पे। एंड मुझे लगता है कि इसमें टाइप सी केबल ही होगा। सो यस, हमें यहाँ पे मिलता है एक टाइप सी केबल, प्लस यहाँ पे डिफरेंट ईयर टिप्स दिए गए हैं एंड हमें मिलता है मेन केस मीवी का। सो बाकी चीज़ों को साइड कर देते हैं। सो सबसे पहले बॉक्स पे अगर देखा जाए तो चारों तरफ कुछ नहीं है, फ्रंट में मीवी की ब्रांडिंग है और फोर पॉइंट्स में LED इंडिकेटर है और चार्ज करने के लिए टाइप सी को ऑप्शन दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्कुल सही है। F40 की तरह बंद करने में साउंड नहीं करता, अगर आप बॉक्स को ओपन और बंद कर रहे हो तो F40 में कुछ ज़्यादा साउंड करता था और यहाँ पे थोड़ा कम साउंड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और हमें मेन ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, सो इसको निकालते हैं। सो ये रहा मेन ईयरबड्स। और अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, फर्स्ट लुक काफ़ी इम्प्रेसिव है। आई थिंक 999 में इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिलना इज लाइक प्राइस को जस्टिफाई करता है, लिटरली लुक बहुत अच्छा है। और एक होता है ना कि जब ईयरफोन निकालने के बाद जो एक वो वाली वाइब दे रहा है, एकदम प्रीमियम लग रहा है। इसको सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा कि मेरे कानों में किस तरह से फिट हो रहे हैं। सो अगर फिट की बात की जाए तो बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहा है, जो इसमें पहले से ईयर टिप लगा हुआ है वो बिल्कुल मेरे कानों में फिट हो रहा है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और फिटिंग और कंफर्ट अगर दोनों चीज़ को देखा जाए तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। इसके बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे, यहाँ पे कुछ शाइनी मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे मैट यूज़ किया गया है, तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। और अगर साउंड और माइक की क्वालिटी को साइड कर दिया जाए और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के लिए इस प्रोडक्ट को रिव्यू किया जाए तो बिल्कुल प्राइस को जस्टिफाई करता है। अगर इसके ड्राइवर की बात की जाए तो 12mm का ड्राइवर इसमें लगा हुआ है और ब्लूटूथ 5.1 के सपोर्ट के साथ आता है। और ईयरफोन के रेंज की बात की जाए तो अगर आप अपने फ़ोन को कहीं छोड़ देते हो तो 10 मीटर के रेडियस में ये काम करेगा। और अगर इसके बॉक्स की बात की जाए तो 500mAh इसकी कैपेसिटी है और दोनों ईयरफोन 50 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम देंगे अगर आप एक बार इसको चार्ज करते हो तो। ईयरफोन्स को जैसे ही आप केस में रखते हो ये ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड पे चला जाता है। जैसे ही मैंने इसको केस में डाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों पॉइंट पे लाइट आ गया, मतलब ये चार्जिंग मोड पे जा चुका है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर कोई भी लाइट इंडिकेटर नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता चले कि ये पेयरिंग मोड पे आ गया है। बट अगर मैं अपने ब्लूटूथ सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे मीवी डुओ पोर्ट्स F70 शो कर रहा है एंड आई थिंक यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, क्योंकि ये अभी पेयरिंग मोड पे है या पेयर्ड है ये आपको पता नहीं चलेगा। और LED इंडिकेटर्स होता है तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ रेड एंड ब्लू लाइट की वजह से कि ये अभी पेयरिंग मोड पे है। तो अगर F40 से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे LED इंडिकेटर्स थे और यहाँ पे LED इंडिकेटर ईयरफोन में नहीं है। बट आई डोंट थिंक दैट विल मैटर अ लॉट अगर आप सिंगल यूजर हो एंड अंटिल अनलेस यू आर पेयरिंग दिस टू एनी अदर डिवाइस। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। सो ये मेरे फोन से कनेक्ट हो गया और अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो जिस प्राइस पे ये आता है, मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि इस प्राइस पे इतना अच्छा साउंड कैसे मिल रहा है। और अगर एक लाइन में बोला जाए तो बहुत ही बैलेंस साउंड है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा बेस भी मिलता है। अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो गाना आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। अगर आपको मूवी देखने का शौक है तो इसमें ट्रेबल और मिड्स बहुत ही अच्छे हैं, डायलॉग्स आपको अच्छे से सुनाई देगा। और मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ प्रीमियम सेगमेंट के ईयरफोन से, मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ 2000 के रेंज में बहुत सारे ईयरफोन्स आते हैं उसके बराबर का ये साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ये आपको फील नहीं कराएगा कि ये 999 का
ईयरफोन है, लाइक ज्यादा ही तारीफ हो गया। चलिए इसके माइक की क्वालिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके माइक की क्वालिटी कैसा है। आवाज कैसा जा रहा है? आवाज एकदम क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। एकदम क्लियर आ रहा है मतलब एक्स्ट्रा तारीफ मत करो, कैसा आ रहा है बैटरी? सही आ रहा है। अच्छा। सही आ रहा है। हाँ। अच्छा, पंखा का आवाज आ रहा है? नहीं नहीं, नॉइज कैंसिलेशन है, नहीं आ रहा है मतलब। हाँ। तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये ईयरफोन से आ रहा है, जहाँ फैन ऑन है और जो भी इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है ये आप देख सकते हो कि अगर मैं शांत रहता हूँ तो इस तरह से आवाज आता है, और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये ऐसा साउंड कर रहा है। तो आई थिंक कि माइक की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि कॉलिंग पे अभी जब मैं बात कर रहा था तो उसको भी मेरी आवाज़ साफ से जा रही है। सो अगर माइक की बात की जाए तो इसमें क्वाड माइक है, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है, और मैं अभी फोन पे बात कर रहा था तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ही साफ से जा रही थी। और मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि मुझे प्रीमियम सेगमेंट की ईयरफोन्स में भी माइक की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पे ENC मोड का सपोर्ट दिया और माइक की क्वालिटी अच्छी है, सामने वाले को अच्छे से सुनाई दे रहा था। अब इसके फीचर्स की बात की जाए तो ये IPX4 के साथ आता है, मतलब स्वेट प्रूफ है, आप इसको लगा के रनिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, पसीना आएगा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ईयरफोन वर्क करेगा और ऐसे भी एक साल की गारंटी है, तो इस वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको वारंटी मिलेगी। टच की बात की जाए तो इस छोटे से सेगमेंट में यहाँ पे टच है, हल्का सा फील करोगे तो आपको हल्का सा गड्ढा टाइप का दिखेगा और यहीं पे टच है, अगर आप एक बार टैप करते हो तो कॉल अटेंड हो जाएगा और उसी कॉल को आपको रिजेक्ट करना है तो एक बार टैप करना पड़ेगा। अगर कॉल आ रहा है और आप अगर इसको होल्ड करते हो तो फिर कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, अटेंड नहीं होगा। अगर अदर फीचर्स की बात की जाए तो सिंगल टैप पे प्ले है और सिंगल टैप पे पॉज है, अगर आप राइट वाले पे डबल टैप करते हो तो नेक्स्ट सॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप लेफ्ट वाले पे डबल टैप करते हो तो प्रीवियस सॉन्ग पे चला जाएगा, और अगर आप इस पे ट्रिपल टैप करते हो तो आपका जो भी वॉइस असिस्टेंट है सीरी या गूगल वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड ये सारे सेम फीचर्स मीवी के डुओ पॉड्स में आते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मीवी के डुओ पॉड्स में ये वॉल्यूम कंट्रोल का भी ऑप्शन हमें मिलता है टच के थ्रू, और अगर आप यहाँ पर राइट वाले को होल्ड करके रखते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में होल्ड करके रखते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अब अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें और इसके साउंड क्वालिटी और माइक क्वालिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि ये अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, और अभी इसकी प्राइस 1500 रुपये है, बट कभी ना कभी आपको ये डील में 999 में मिल जाएगा। अगर आपको 999 में ये मिलता है तो आग बंद करके ले लो, अगर 1500 रुपये में भी मिल रहा है आई थिंक प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट विद क्वाइड मैक ENC सपोर्ट और जैसा साउंड क्वालिटी इसका है ये 1500 रुपये को भी जस्टिफाई करता है, और आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।